क्या लगा बेटा कि तुम मेरी जासूसी करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हमने तो तुम्हारी जासूसी पर ही जासूसी कर दी। लेके जाओ, लेके जाओ, इसको भी लेके जाओ, पुलिस को बुलाओ, इसको भी लेके जाओ। ये बहुत बैड है, बहुत बैड है। डॉक्टर शिव, दूर हटो प्लीज। तुझे पास मत आओ। पद्मा दीदी, जी जी आओ। प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति। अब इस अध्याय को तो मैंने बीच में से फाड़ दिया। एक तरफ शिव, एक तरफ शक्ति। तुम पलकी आईवी पक्षी मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रही थी। तुम जिस स्कूल में पढ़ाई करती हो ना, उस स्कूल की प्रिंसिपल भी मुझसे ट्यूशन लेती है। तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में शिव को मार डालूंगी? अरे मैं कोई खूनी थोड़ी हूं। मैं तो सिर्फ कमीनी हूं। क्या लगा बेटा कि तुम मेरी जासूसी करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हमने तो तुम्हारी जासूसी पर ही जासूसी कर दी। तुम पर तो मुझे पहले से ही शक था। सिंजिम बेटा, तुम्हें क्या लगता है, शिव को भेजना चाहिए ना पागलखाने? तुम लोग डॉक्टर शिव को यहाँ पे मत लेके आओ। यहाँ पे डॉक्टर शिव को पागल खाने लेके जाने के लिए पूरा इंतजाम हो चुका है। शिव के अंदर शक्ति का डर हमें बनाना है, बिठाना है। एक सेकंड के लिए भी शिव से शक्ति की नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। रिमझिम बेटा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे हम तो अपना काम खत्म करके आपके पास ही आ रहे थे। मैंने सोचा रिएक्ट करके क्या फायदा। अब नुकसान के सौदे को अपने फायदे में बदलना ही तो फायदा होता है, नहीं?